मतलब क्या एक्स वाई पॉइंट का जो एक्स वाई होता है एक्स वाई कैलकुलेट करना है हम लोग को ये दोनों पॉइंट के जॉइन को ये जो पॉइंट है हमारा वो डिवाइड कर रहा है जिसको हमने फाइंड आउट करना है. ओके सो इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी. ठीक है सो ये ए बी के जॉइंट को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ जो इसके इन दोनों के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है. रेशियो 2:3 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 मतलब एक पार्ट 2 हो गया दूसरा पार्ट हमारा 3 हो गया तो 2:3 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ओके सो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने मतलब क्या, मैंने इनिशियली बताया था इसके x एंड y कैलकुलेट करना है हम लोगों को. क्या कैलकुलेट करना है x एंड y. सो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहां पे. सो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए वी शुड नो द फार्मूला, हमें फार्मूला बताना चाहिए. तो चलो फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या है इसके लिए. तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है कि x का जो फार्मूला होता है जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा हमारा m x2 plus n x1 अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है. ओके सो दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्स. नाउ सेम मैनर, उसी मैनर में वाई कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है वो, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट वाई. ओके ये वाई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है. तो चलो पहले एक्स कैलकुलेट करते हैं. तो एक्स वन एक्स टू क्या है यहाँ पर, एक्स वन एक्स टू क्या आएगा. सो दिस इज एक्स वन वाई वन. ठीक है ये एक्स वन वाई वन हो गया और ये हो गया x2 और y2. सो ये y1 हो गया हमारा, दिस इज y1. सो x1 की वैल्यू माइनस वन है, y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू माइनस 3 है. तो ये चीज नोट कर लेना. ठीक है अब m और n क्या है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज m. ये वैल्यू हमारी m हो गई और ये वैल्यू हमारी n हो गई. ओके तो ये ऑल द वैल्यूज जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. और x की वैल्यू ले लेंगे हम लोग. तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग. तो m की वैल्यू 2 है तो 2 पुट किया इनटू x2 ना, x2 क्या हमारा 4 है तो x2 4 आ गया. प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है इनटू x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 इज माइनस 1 तो माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3. तो चलो सॉल्व करें इसको. 2 इंटू 4 8 हो जाएगा हमारा, प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा एंड नीचे 2 प्लस 3 विल गिव यू 5. ओके विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज और प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा एंड दिस इज 3 अपॉन 5 विच विल फर्दर बिकम 8 माइनस 3 हमारा 5 हो गया एंड 5 अपॉन नीचे वाला 5 ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर वाला सॉरी डिनोमेटर वाला. तो 5 वन द 5 सो आंसर इज 1. तो x का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आया, 1 आया. सो दिस इज 1, ये x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 आ गया. फाइन Now we have to calculate y. तो सेम इसी मैनर में हम y कैलकुलेट करेंगे. तो चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं हम लोग फटाफट. ओके सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, पुट किया था तो m की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 2 है तो m की वैल्यू हमने 2 रख दी इनटू y2 की जो वैल्यू है, y2 क्या हो गया हमारा माइनस 3 हो गया. सो y2 इज माइनस 3 प्लस n की जो वैल्यू है वो 3 है तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे एंड y1 की जो वैल्यू है अगेन y1 की वैल्यू क्या हो गई 7 आ गई तो y1 की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी. राइट अब आगे बढ़ते हैं अपॉन m प्लस n. m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 आ गया यहाँ पे. क्या आ गया, 2 प्लस 3 विल गिव यू 5. लेटर में 5 दे देगा, 2 प्लस 3 5 दे देगा. अब ऊपर का सॉल्व करते हैं. 2 इंटू माइनस 3 क्या होगा हमारा माइनस 6 होगा प्लस 3 इंटू 7 क्या होगा हमारा 21 होगा. सर 3 इंटू 7 सो फर्दर माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. तो 21 माइनस 6 किया तो आंसर विल गेट 15. ओके विच इज डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज इन द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में जैसा 15 था वैसे ही रखा. नाउ 5 वन द 5 5 3 इज अ 15 सो आंसर इज 3. तो x y की जो वैल्यू है वो 3 आई. सो ये y इज इक्वल टू 3 तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई. तो होपफुली सबको समझ में आया हो, ये सम कैसे समझ में आया होगा, ये सम कैसा है. इट्स क्वाइट सिंपल, बस फॉर्मूले में पुट करके हमें आंसर निकालना है. ओके सो फाइन.